जो ये पहाड़ से पलायन रोकने की और तमाम जो बातें हो रही, आपका क्या विजन था, अब वो नहीं हो रहा, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? दरअसल मैं आप तो जो पलायन को लेकर के आप कुछ कहेंगे इसमें क्या? देखिए, पलायन के लिए भी मैंने एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम प्रारंभ किया। जी आप मेरी सब योजनाओं को देखिए। जी जी हाँ, इसमें भांग की खेती है, भांग की खेती का बड़ा और कन्नाली हाथ तक है। जी 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 हाँ, तो भांग की खेती में सरकार काम करने लगी है, अभी कुछ पहले आया। ये कल जो मैंने शराब वाला शुरू किया था तो उस पर भी काम करेगी। अच्छा, तो जी ये एक भ्रम की स्थिति है जो लोगों में संदेह की, तो भांग की खेती क्यों, आपको उस भांग के पीछे क्या रोजगार कैसे सृजन होता, भांग क्यों उगाना चाह रहे थे लोग, भांग को नशे में लेके चल रहे थे? जी ना ना ना, आप एक अमेरिका में जाइए, अमेरिका के 43 राज्यों ने जी जो है इसको वो मान लिया है। और फिर भांग, आप नशे वाली भांग तो अत्तर वाली भांग तो कैसे, अच्छा दो तरह की भांग से बीज पैदा कर रहे हैं ना हम। जी जी, जिसमें नशे की मात्रा नहीं है। अच्छा, वो बीज पैदा करवा दिया है ना मैंने। अच्छा, वो अलग है। हाँ, जिसको गांव में चूल्हे में मैंने भून करके खाया जाता है, उससे यहाँ ला करके वो करवा दिया ना। जी 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 जी, अब तो हमारे पास कॉमर्शियल भांग की का बीज उपलब्ध है। अच्छा, और भांग हमारी नेचुरल ग्रोथ है, न जानवरों का डर, किसी चीज का डर, खेती भी नहीं चाहिए उसके लिए। तो इसलिए तो हमारे जंगल, हमारे बंजर खेत, हमारे रास्ते काफी हैं। यानी वो नशे से हट करके भाग है, नशे वाले नहीं। दुनिया के सबसे महंगे जो कुछ रेशे हैं, उन रेशों में भांग का रेशा है। अच्छा, और दवाई उसकी खाने के काम भी ना, दाने खाने के काम भी आते, दवा के काम भी आते। बिल्कुल, तो भांग और जो पल्प है अंदर का, जी जी एक सेकेंड, जो अंदर का पल्प है ना, जो लकड़ी होती है, जी जी है जी, वो लकड़ी से जो है वो एक प्रकार के जो हवाई जहाज के अंदर के इंटीरियर होते हैं। अच्छा, हाँ, उनमें बनता है, वो बनते हैं उससे। अच्छा, यानी कि और जो पत्ते रूप पे उसको लेकर के चले थे, पत्ते जो होते हैं उसकी पत्ते उसकी दवा बनाते हैं। ओके, तो आज आज तो वर्तमान में सरकार अगर उसको आगे कर रही है तो उसकी आप सराहना करते हैं? नहीं, वो क्या कर रहे हैं, मैं शुरू करवा के मैंने तो एक्ट बनवाया है उसका। हाँ नहीं, अब एक तरह से वो आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मतलब वो आपकी बात तो समझदारी कर रहे हैं। यदि सरकार मेरे एजेंडे को आगे बढ़ाएगी जी, तो पलायन के लिए आयोग की जरूरत ही नहीं है। हम तो सब वो योजनाएं स्टार्ट करते गए, केवल एक योजना मुझसे रह गई जिसको मैं स्टार्ट नहीं करवा पाया। वो देखेंगे कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी जी, तब उस आइडिया पे कभी योजनाएं कभी बनेगी। आपने एक शब्द बोला कभी बनेगी, मतलब संभावना कब तक आपको लग रही कांग्रेस की सरकार कब तक बनेगी? 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी तो तब मुख्यमंत्री कौन होंगे? अपने पार्टी के एजेंडे में उसको रखूंगा। अच्छा, तो मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे तब भी? नहीं, मैं कोई और होंगे, नौजवान नई पीढ़ी आएगी, किसी और को जिम्मेदारी सौंपेंगे। हमने अपना काम कर लिया जितना हम कर सकते हैं। यानी कि 2022 में आप किसी नौजवान के कंधे पे उत्तराखंड राज्य की जिम्मेदारी? नहीं, मैं चाहता हूँ नई पीढ़ी आए, नए लोग आए। तो उनमें नई पीढ़ी में कुछ नाम है कांग्रेस में ऐसे जिनके नाम आप? कुछ नए लोग जिनको आपके नाम लेने से उनको प्रोत्साहन मिलेगा, नए लड़के नए होंगे जो आगे बढ़े हैं, उनको लगेगा भाई रावत जी ने कहा है तो हम ऊर्जावान बन के काम करें, तो ऐसे कोई दो चार नाम? देखिए, कांग्रेस में इस समय करण मेहरा है। अच्छा जी, हमारे एक व्यक्ति हार गए मनोज तिवारी जी। जी, अच्छा, उसी तरीके से आपके जो है हमारे ये है मनोज रावत है, केदारनाथ वाले जी। और आपके जो है गणेश गोदियाल जी, ये गणेश गोदियाल है, ये हमारी जो यंग पीढ़ी है, एकदम फ्रेश पीढ़ी है, जो उसके जरा सहनी पीढ़ी में है,
बल्कि यंग पीढ़ी में, बल्कि मेरा लड़का है आनंद राव, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क करने में उसकी कोई शादी नहीं है, जिसमें कंस्ट्रक्टिव आइडियाज उसके पास है। वो पार्टी के लिए बड़ा भारी एसेट है, उसके पास कंस्ट्रक्टिव आइडियाज बहुत ज्यादा है। तो ये है हाँ, और फिर ये तो नई पीढ़ी है, और जरा सा इनसे बड़ी पीढ़ी में प्रीतम सिंह जी हैं, किशोर उपाध्याय जी हैं, काजी निजामुद्दीन जी हैं, ममता राकेश जी हैं, ममता राकेश जी हमारे वो विधायक हैं, क्या कहते हैं कलियर वाले जो है, इन सबके बीच जैसे राजेंद्र भंडारी जी का नाम छूट गया है बद्रीनाथ से, तो क्या उनको राजेंद्र भंडारी थोड़ा सा हाँ राजेंद्र भंडारी है, और उनसे सीनियर में जो है अनुष्या प्रसाद मैखुरी जी है, दीपराम जी है, फिर तो बहुत लोग हैं हमारे अंत में इतना पूछना चाहूंगा कि अभी एक हमी ने यूथ आइकन पे एक वीडियो यूट्यूब के मार्फत वायरल किया था, जिसमें कि दिव्या रावत की बड़ी बहन ने आपका नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने भी कहा था कि पहाड़ियों में दम, गढ़वालियों में खासतौर पे दम नहीं है, क्या ये बात, इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? मैंने कभी नहीं कहा, मैं ऐसा सब इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आपने कहा, हमने कहा उन्होंने कहा, उसमें आप कहीं दिख नहीं रहे हैं और आपने कहा नहीं। नहीं, नहीं, नहीं एक चीज है, और मैंने उनको मैंने तो बहुत प्रोत्साहित किया, मैं आई एम प्राउड ऑफ द एफर्ट्स लड़की ने जिस तरीके से किया है। कोई चीफ मिनिस्टर किसी के प्रोजेक्ट को अपने सर पर टोपी रख करके उसकी मार्केटिंग करता है जी, मशरूम में मुझको उत्तराखंड का भविष्य के एक जो कई रास्ते हैं भविष्य बनाने वाले, इसमें मशरूम भी है। तो आप इस चीज की आलोचना करते हैं कि जिस तरह के शब्दों का उन्होंने यूज किया है, जो प्रयोग किया है? मैं जानता ही नहीं क्या शब्द है, और जिन शब्दों को मैं यूज कर ही नहीं सकता उसमें टिप्पणी काहे के लेकर ना, हालांकि मैं भी नहीं बोल सकता इतने वाहियात शब्द थे वो एक महिला के मुंह से, लेकिन मैं आपसे भी जिक्र नहीं कर सकता कि उसने ये कहा, आप इसकी प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन बहुत ही बेहुदा और बहुत ही वाहियात, जो सामान्य तौर पे कोई जेंट्स भी नहीं बोलेगा इस तरह के शब्द। और एक बात सुनो, हमारे लोगों को दिव्या को देखना चाहिए जी, लड़की ने एफर्ट्स करके कुछ एड्रेस कर रही है, एक रास्ता निकाला है, लोगों को ट्रीट कर रही है और कर रही है। मशरूम हाँ, जो मैंने मशरूम भाजी बनवाई थी दो जगह जो है, लेकिन वो मशरूम भाजियां उतनी फ्लोरिश नहीं कर पाई, ये दो तीन महिलाएं इस काम में लग गई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, दिव्या बढ़िया कर रही है, दिव्या अच्छा कर रही है, दिव्या के लिए कोई नहीं, लेकिन यह है कि दिव्या के फ्रंट एक बात बता, फ्रंट में बहन आकर के हम अपने जो उज्जवल पक्ष है उस उज्जवल पक्ष को देखें, हम काला पक्ष क्यों देखते हैं? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपने समय दिया बात की। अच्छा, ये आपके और मेरी जो बातचीत है ये कोई स्टिंग नहीं है, ये YouTube में आपकी फोटो के साथ मेरी फोटो के साथ में अपलोड होगा, ये आपकी जानकारी के लिए बता, क्यों नहीं बाद में ये आता ना कि भाई स्टिंग कर ले, ये कोई स्टिंग नहीं है, खुली बात मैंने आपसे की, मेरे यहाँ फोन रिकॉर्ड हुआ और बहुत अच्छी बातें आपने की, आपने देखा होगा मैंने अपनी बात से कभी इनकार नहीं करता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर मैं मिलना चाहूंगा आपसे, है ना? अच्छा, और क्या हाल जी? सब बढ़िया, सब बढ़िया। अरे थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, प्रणाम प्रणाम।